हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक कैसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ग्रुप सी की वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी डिटेल्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि निकाला गया है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। उसके बाद यहाँ पर आपका चौकीदार की वैकेंसी है, स्वीपर की वैकेंसी निकाली गई, जिसके बारे में पूरा डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड, पोस्ट और यहाँ पे लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पियोन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 276 वैकेंसीज निकाली गई है, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। पियोन यहाँ पे जो कि फैमिली कोर्ट्स में है, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट्स के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। चौकीदार की बात करते हैं तो 33 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। स्वीपर की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 वैकेंसी है। इसी तरह से प्रोसेस सर्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे 74 और 7 वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 417 नंबर ऑफ पोस्ट निकाले गए हैं। और अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो ही ओबीसी कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे जनरल में ही काउंट यहाँ पे किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं और आगे डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई आपको करना होगा और यहाँ पे जो है आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। और यहाँ पे दिया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 7 फरवरी 2021 और यहाँ पे 21 फरवरी 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है कॉमन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि आपका पोस्ट है, आपका प्योन, उसके बाद चौकीदार और स्वीपर के लिए यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। बाकी आप प्रोसेस सर्वर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। अगर आप दोनों पोस्ट पर एलिजिबल है, दोनों पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेपरेटली एप्लीकेशन फी भी पे करना होगा और सेपरेटली आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दोनों का फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, 500 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और इसी तरह से अगर आप एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विस में, तो 250 रुपये एप्लीकेशन फी आपके रखे गए हैं। बात करते हैं कि आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पियोन और की बात कर लेते हैं, चौकीदार की बात करते हैं, स्वीपर की बात करते हैं, तो आपके लिए मैट्रिक पास यानी कि 10th पास है तो अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं किसके लिए, तो प्रोसेस सर्वर के लिए, तो 10th के साथ साथ आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल में और 2 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 मिनिमम है, 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, बाकी कैटेगरी वाले यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल का छूट मिलेगा पीडब्ल्यूडी के केस में, बाकी यहाँ पे एक सर्विसमैन को एज पर रूल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू रिजल्ट या अदर इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे बाद में सूचित कर दिया जाएगा, तो आपको टाइम टू टाइम वेबसाइट जो है चेक करते रहना है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इसमें आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसमें और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, साथ में पोस्ट कोड यहाँ पे आपको दोबारा दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आपको अप्लाई यहाँ पे करना है, उसके बारे में दिया गया है। और आगे यहाँ पे हेल्प नंबर भी आपको दिया गया है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है अगर कोई डाउट होता है आपको तो। उसके बाद वैकेंसी रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल मिल जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसा कि 10th पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप प्रोसेस सर्वर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के साथ साथ एल एम भी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और 2 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पेमेंट की बात करते हो नेट बैंकिंग, उसके बाद डेबिट कार्ड, यूपीआई से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स आपको दोबारा दिया गई, 7 फरवरी से 21 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एनसीटी दिल्ली और एनसीआर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे रहने वाला। तो आप बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पियोन है, चौकीदार है और स्वीपर की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होगा। प्रोसेस सर्वर की बात करते हैं तो इसके लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी की दोबारा आपको जानकारी दे दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे पोस्ट कोड के बारे में दी गई, तो आप चेक कर सकते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है उसमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज जो कि करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे और अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आपके रहेंगे। बाइलिंगुअल पेपर होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आगे डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एमसीक्यू और ड्राइविंग टेस्ट के बारे में दिया गया है और क्वालिफाइंग आपका क्या क्या यहाँ पे रहने वाला है देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें 100 मार्क्स का होगा, ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे होगा और यहाँ पे इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव जो 100 मार्क्स का टेस्ट आपका होने वाला है तो अनरिजर्व को कम से कम 50 मार्क्स उसमें लाने होंगे। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सर्विसमैन है, तो कम से कम 45 मार्क्स क्वालिफाइंग आपका लाना होगा।
यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू आपको 15 मार्क्स में 5 मार्क्स लाने होंगे अंडरग्राउंड वाले को, और बाकी कैटेगरी वाले को 4 मार्क्स यहाँ पे कम से कम लाने होंगे। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। प्रोवाइड किया गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका होने वाला है, आपका इसमें जो है इंग्लिश हिंदी जो है 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के रहेंगे। इसी तरह से देख सकते हैं आपका जनरल नॉलेज जो कि करंट अफेयर्स और अर्थमेटिक, यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, 120 मिनट का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 160 मिनट ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो। आगे यहाँ पे दिया गया है नोट पॉइंट कि आपका 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस रहेंगे, बाकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दिया गया है। इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, इसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है कि आपका प्रोसेस सर्वर का एग्जाम जो होने वाला है उसमें भी इंग्लिश हिंदी उसके बाद जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक आपसे पूछेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स करेंगे, 120 मिनट का पेपर यहाँ पे रहने वाला है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया तो आप चेक कर सकते हैं, केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इंटरव्यू के बारे में दिया गया यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन अप्लाई करना, अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा आप जाकर के वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।